चेक कर लिया, न्यूज़ बोल रहा है, न्यूज़ बुक नहीं, उस पर थोड़ी चलाई हुई है। किस पे? वो चंडी माँ वाले, चंडी माँ वाले पेज पर चलाई हुई है, रामलीला वाले पे अलग शॉट होता है। सच न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं अक्षय। जिस तरह से आपको मैं बताता चलूं कि गणेश महोत्सव का जो त्यौहार है वो भी आ चुका है, आपको बताता चलूं कि रजौरी के अंदर इस गणेश महोत्सव को लाने वाले हमारे साथ बंटी शर्मा जी थे और इन्होंने गणेश महोत्सव को यहाँ पर लाया और अकेले इन्होंने कार्यक्रम गणेश महोत्सव जी का शुरू किया। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ, आज 7 तारीख है और आज ये गणेश महोत्सव जो है वो शुरू हो चुका है और 8 दिन ये प्रोग्राम, 9 दिन ये कार्यक्रम चलेगा और 10वें दिन गणपति विसर्जन होगा। तो मेरी तमाम दर्शकों से अपील रहेगी कि गणेश महोत्सव में आए और गणेश विसर्जन में भी आए। हमारे जितने भी माता बहनें या भाई बहन देख रहे हैं इस गणेश महोत्सव पर आएँ और इसकी रौनक बढ़ाएं। तो इसी तरह से हम आपको गणेश महोत्सव की जो लाइव अपडेट है वो सच न्यूज़ पेज पे देते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, रजौरी से सच न्यूज़ नेटवर्क के लिए मैं अक्षय डोगरा। सर क्या कहेंगे जिस तरह से आज 7 तारीख का गणेश महोत्सव जो है आज से स्टार्ट हो चुका है, 9 दिन ये कार्यक्रम चलेगा और 10वें दिन गणपति विसर्जन होगा और 16 तारीख को ये विसर्जन होगा, 15 को अनंत भारती के जो मंदिर है उसके अंदर भंडारा रखा गया है, काफ़ी बड़ा भंडारा रखा गया है, तो आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए आज से गणेश चतुर्थी के दिन गणपति जी का आज घर में आगमन करवाते हैं और आज हमारा जो गणपति जी हैं वो हमारे नावन मोहल्ला में एक आश्रम, हमारे अनंत भारती जी आश्रम, वहाँ पे गणपति जी को रखा गया है। वहाँ पे ये प्रथा है कि गणपति जी को बुलाया जाता है रखने के लिए और उनकी 7-8 दिन जो 9 दिन की सेवा की जाती है और 10वें दिन का विसर्जन किया जाता है। तो ये प्रथा हमारे रजौरी के अंदर पिछले 15 साल से श्री बंटी जी हैं वो हमारे रजौरी के वो चला रहे हैं। तो हमारे रजौरी के अंदर भी इसका भव्य कार्यक्रम होता है और इसकी 8-9 दिन जो है कलश यात्रा चलेगी और 10वें दिन जो है वो गणपति विसर्जन होगा। 15 तारीख को, 15 सितंबर को हमारे भंडारा होगा नाबन मल्ला में जहाँ पे अनंत भारती आश्रम है। तो 16 तारीख को गणपति जी का विसर्जन होगा। ये एक बड़ी रैली जो है रजौरी तहसील से होती हुई, सनातन सभा मंदिर से होती हुई, अपने अनंत भारती आश्रम से होती हुई जाए स्वामी जी जो आश्रम है वहाँ तक जाएगी और वहाँ पर जो नदी है वहाँ पर गणपति जी का विसर्जन होगा। ये भव्य समारोह हर वर्ष यहाँ पर मनाया जा रहा है, इस वर्ष भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारे रजौरी के अंदर जो ये हर जो ये गणपति विसर्जन होता है इसमें भी थोड़ी जो प्रोटेक्शन है वो उनकी तरफ से अच्छी हो ताकि लोगों के अंदर जो माहौल है वो सद्भावना का बना रहे, कोई झगड़ा ना हो। तो इस बार भी जो झांकी है वो अच्छी से निकले इसके लिए हमारे उसका सहयोग। सर सब दर्शकों से क्या अपील करना चाहोगे आप गणेश महोत्सव को लेकर? सभी लोगों से यही निवेदन रहेगा कि जो हमारे सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग हैं सभी आके इस गणपति जी के विसर्जन में समारोह में भी शामिल हों और जो रोज कलश यात्रा निकलेगी उसमें भी सम्मिलित हों और 15 तारीख को जो एक हमारा जो भंडारा होगा उस भंडारे में भी सम्मिलित हों और इस शोभा यात्रा की जो है शोभा को बढ़ाएं और सभी लोग शोभा यात्रा जो 16 तारीख को विसर्जन होगा उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। जी मैं राजेश बंटी भारतीय संस्कृति प्रवास समिति के अध्यक्ष के नाते पिछले 14 वर्षों से हमारी समिति श्री गणेश महोत्सव रजौरी में बड़ी धूमधाम से मनाते आ रहे हैं। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मातानंद भारती स्न्यासाश्रम में श्री गणेश महोत्सव का कार्यक्रम रखा गया है। आज हमारी कलश यात्रा थी जो नगर की परिक्रमा करते हुए बड़ी धूमधाम से यहाँ कलशों के साथ गणेश जी की मूर्ति की स्थापना की गई है। इसके पश्चात रात को 8 से 8:30 बजे तक आरती का कार्यक्रम रहेगा, 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक भजन कीर्तन रहेगा प्रतिदिन। उसके पश्चात 15 तारीख को मातानंद भारती स्नान आश्रम में ही भव्य भंडारे का आयोजन भी किया गया है। मैं आप मीडिया के माध्यम से सभी रजौरी नगरवासियों से ये अपील करूंगा कि वो एतवार को मातानंद भारती आश्रम में आके 15 तारीख को लंगर भंडारे का प्रसाद ग्रहण करें। उसके पश्चात 16 तारीख को शाम 4 बजे मातानंद भारती आश्रम से ही ये ग्रहण शोभा यात्रा के रूप में श्री गणेश जी की प्रतिमा को नगर से ले जाते हुए स्वामी जी की आश्रम से मूर्ति का विसर्जन होगा। और समस्त नगरवासियों से ये मेरी प्रार्थना भी रहेगी कि उस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, बड़े बूढ़े बच्चे सभी इस कार्यक्रम में आएँ
और कार्यक्रम की रौनक बढ़ाए। श्री गणेश महोत्सव प्रथम पूजने हमारे प्रभु हैं श्री गणेश, और इनसे यही प्रार्थना करते हैं हर वर्ष कि हमारे रजौरी में हमारी ऐसे ही हमारा सद्भाव, हमारा प्रेम भाईचारा आपस में बना रहे, और बड़े भव्य तरीके से श्री गणेश जी की झांकी यहाँ से जय बाजार में जय घोष लगते जाएँ श्री गणेश जी के, और जो भक्त हैं वो भी बराबर हो जाएँ इसी धार्मिक माहौल में।